इतना बड़ा झूठ, इसका मतलब सल्लू ये शादी करना ही नहीं चाहता था। सलमान खान कब करेंगे शादी? जवाब तो इसका सलमान खान के पास भी नहीं है, लेकिन फिल्म सल्लू की शादी में सल्लू की शादी होगी या नहीं ये जानने वाली बात है, जिसका जवाब देंगी अभिनेत्री असरीन। मुख्य भूमिका में नजर आएंगी फिल्म सल्लू की शादी में असरीन। तो असरीन करवा पाएंगी क्या सल्लू की शादी, यह देखने वाली बात है। तो खास बातचीत में क्या कुछ कहना था अभिनेत्री असरीन का, देखें इस खास रिपोर्ट में मुंबई से। एक बार फिर सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। जिस तरह से सल्लू यानी कि सलमान खान की बात आती है तो उनकी शादी को लेकर लोगों के बीच में एक चर्चा का विषय बना होता है, आखिर में कब होगी सल्लू की शादी। तो सल्लू की शादी एक फिल्म आ चुकी है और शायद हमारे साथ जो अभिनेत्री खड़ी है वो लग रहा है सल्लू की शादी करा कर ही मानेंगी। तो सबसे पहले जानना चाहेंगे कि आपको भी बहुत जल्दी है सल्लू की शादी को लेकर? ऑफकोर्स मुझे ही नहीं, आई थिंक पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में यही चर्चा इतने सालों से चलती आ रही है कि सल्लू की शादी कब होने वाली है, कब होने वाली है। तो फाइनली हमारे इसरार जी जो डायरेक्टर है उन्होंने भी ठान लिया कि इस बार हम सल्लू की शादी करवा के ही रहेंगे। तो जिस तरह से जब आपके पास स्क्रिप्ट आया होगा तो अश्विन जी का क्या रिएक्ट था कि सल्लू की शादी, जैसे फिल्म का नाम ही है सल्लू की शादी, तो क्या आपने क्या सोचा कि स्क्रिप्ट पे देखा या फिर नाम, फिल्म का नाम सुनती आपने हाँ बोला? पहले तो जब मुझे बुलवाया गया कि एक मूवी हो रही है, मुझे स्क्रिप्ट, मुझे नाम भी नहीं पता था मूवी का। जैसे इस राजी ने, मैंने उनको टाइटल पूछा, ही सेड सल्लू की शादी, लाइक सल्लू की शादी विदाउट स्क्रिप्ट रीडिंग, आई वाज लाइक, मैंने ठान ली थी कि ये मूवी तो मुझे करनी ही है। इसमें इतने सारे कैरेक्टर्स थे, इतना अच्छा था जो लड़की का भी कैरेक्टर था, एंड सल्लू की शादी टाइटल सुनते ही मैं इतनी एक्साइटेड हो गई थी कि आई वाज इन लव विद द स्क्रिप्ट आल्सो। तो जिस तरह से हम पोस्टर देख रहे हैं उसमें भी आप इतनी एक्साइटेड नज़र आ रही है। एग्जैक्टली जैसे आप पोस्टर देख रहे हैं, मैंने भी ठान ली थी कि अभी मुझे भी सल्लू की शादी करनी ही है वो मूवी। एंड या आई मीन मेरे को बहुत, आई वॉज वेरी थ्रिल, मैं बहुत खुश हो गई एंड आई एम वेरी हैप्पी टू डू दिस मूवी। तो किस तरह के किरदार में आप नजर आएंगे, किस तरह का किरदार निभाएंगे? चुलबुलापन होगा, किस तरह का किरदार? वो बहुत स्वीट सी लड़की है, उसका नाम है आलिया मूवी में, और चुलबुली सी है, एकदम सिंपल सी लड़की है, पर मूवी में भी वो एक हीरोइन का ही किरदार प्ले कर रही है। एंड यस मतलब हीरोइन मूवी के अंदर भी वो एक एक्ट्रेस ही है, एंड जैसे एक एक्ट्रेस की लाइफ कैसे होती है वही दिखाया गया है। तो इस फिल्म, जैसे फिल्म जब कोई करता है तो फिल्म के लिए कुछ खास तैयारियां भी करनी पड़ती है अपने कैरेक्टर को लेकर, तो आपको भी कुछ करना पड़ा इस फिल्म के लिए, सल्लू की शादी के लिए? हाँ, मेरा वर्कशॉप हुआ था काफ़ी दिनों के लिए, जिसमें मुझे बहुत सारे इमोशंस प्ले करने थे मूवी में, जैसे एक एक्टर का होता है। तो या आई स्टडीड और मेरा एक्सपीरियंस मैंने लिया सब लोगों से, इसरार जी से, पूरे प्रोडक्शन हाउस ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया, क्योंकि एक नया न्यू कमर आती है तो फिर एक बहुत ज़्यादा हमें एक्साइटमेंट होता है, थोड़ा डर भी होता है, नर्वसनेस भी होती है, पर सब लोगों ने बहुत अच्छे से सपोर्ट किया, तो आई थिंक इट वेंट वेरी स्मूथली। क्या कॉमेडी है, क्या क्या कुछ सबको नज़र, क्या कुछ खास होगा कि लोग थिएटर तक जाएंगे इस फिल्म के लिए? फिल्म में जैसे आपने अगर ट्रेलर देखा होगा उसमें रोमांस है, उसमें कॉमेडी है, उसमें उसमें थ्रिलर है, एक्शन है, और लास्ट में सस्पेंस भी है शादी के बारे में। तो इट्स अ कंप्लीट एंटरटेनमेंट एंड कॉम्बिनेशन ये सब चीज़ों के। तो अगर हम सल्लू की शादी से हट के बात करें तो आगे आपके और कौन सी प्रोजेक्ट है और किस तरह के कैरेक्टर को करना बहुत ज़्यादा पसंद करती है? आपने सोचा होगा किस तरह के किरदार मुझे मिले, मैं निभाना चाहूँगा? देर आर अ फ्यू स्क्रिप्ट्स इन द पाइपलाइन और अ फ्यू प्रोजेक्ट्स है, मैं काफ़ी कमर्शियल्स भी करती रहती हूँ, बट एज लॉन्ग एज स्क्रिप्ट अच्छी हो तो कोई भी किरदार करने में एक मज़ा ही आता है, यू नो, चाहे वो रोमांटिक हो या कॉमेडी हो या एक्शन हो या थ्रिलर हो। तो इफ़ द स्क्रिप्ट इज़ नाइस आई डोंट माइंड डूइंग एनी काइंड ऑफ रोल। तो शूटिंग के दौरान, सल्लू की शादी के शूटिंग के दौरान ऑन द लोकेशन कितनी क्या मस्ती हुई, अगर इस जैसे से टाइटल को लेकर कभी कोई ऐसी मस्ती मजाक सेट पे नज़र आया? हम लोग हमेशा मस्ती करते रहते थे, ये जो पूरा हमारा क्रू था, रवि सर, रवि जी एंड संदीप जी, यू नो, हम लोग मस्ती भी करते थे कि तुम कब शादी करोगे, शादी को लेके हमेशा ही चर्चा होती रहती थी, नॉट जस्ट हमारे साथ बट जहाँ पे भी जाते लोग पूछते हैं कि शादी कब करने वाली, यू नो, एक नॉर्मल इंडियन लोगों का टॉपिक ही है। तो हम लोग उस दौरान, यू नो, एक दूसरे के साथ मस्ती करते थे कि अरे इसकी तो अगले साल हो जाएगी, इसकी तो अभी हो जाएंगी, तो हाँ काफ़ी मज़ा आता था करते समय। और जिस तरह से हमें अभी तक पता नहीं चला है कि आखिर में किसकी शादी आप लोग फिल्म में करवा रहे हैं, सल्लू की शादी तो शायद नहीं हो रही है लेकिन किसकी शादी हो रही है जो फेस भी नहीं नज़र आ रहा है, आपसे जानना चाहेंगे कौन सा अब ये थोड़ा सस्पेंस ही रहा जाए तो अच्छा है, क्या पता कुछ भी हो सकता है 8 दिसंबर को। उसके लिए आपको 8 दिसंबर थिएटर्सों में जाके देखना पड़ेगा कि किसकी शादी होती है, कैसे होती है। एंड ये मूवी ऐसा तो नहीं है कि सहरे के पीछे सलमान खान ही है? हो सकता है।
सल्लू की शादी टाइटल ही वही है, तो फिर क्या पता क्या होगा। आपको 8 दिसंबर जाना तो पड़ेगा थिएटर्स में, इट्स फुल एंटरटेनमेंट, आपको बहुत मज़ा आएगा देख के। और इस मूवी दौरान मैं यही बोलना चाहूँगी कि मैं एज अ सलमान फ़ैन भी, मैंने सलमान जी को मेरा दिल दे दिया है। एंड या जब तक वो मुझसे मिलेंगे नहीं, मैं भी शादी करने नहीं वाली हूँ। ओह माय गॉड, अब दो दो शादी की सस्पेंस लोगों के बीच में बनी रहेगी कि सल्लू ने शादी नहीं की, अश्विनी जी भी शादी नहीं। जब तक सल्लू मानता नहीं, मैं भी शादी नहीं करने वाली। और अपने फैन से क्या कहना चाहेंगी फिल्म को लेकर? लोग पूरे दुनिया में सलमान जी के बहुत सारे फैंस हैं, नॉट जस्ट इंडिया बट ऑल ओवर द वर्ल्ड। तो आपको ये मूवी बहुत ज़्यादा पसंद आएगी, क्योंकि हमेशा यही चर्चा बहुत सालों से चलती आई है कि सल्लू की शादी कब होने वाली है, सलमान जी की शादी कब होने वाली है। सो आई थिंक ये मूवी से हम लोग फैंस को काफ़ी एंटरटेनमेंट करेंगे एंड सब लोगों को बहुत मज़ा आएगा 8 दिसंबर को। जिस तरह से आपने सुना कि अश्विनी जी ने किस तरह से बताया कि सल्लू की शादी को लेकर कितनी एक्साइटेड थी इस फिल्म को लेकर, और यहाँ तक कि अभी तो जो आपने लिस्ट देखी होगी सलमान खान के फैंस की, उसमें से एक लिस्ट का नाम ये भी आ गया जिन्होंने आई लव यू तक भी बोल दिया सलमान खान को। बस आप हमारे साथ यूँ ही बने रहिए। कैमरामैन राम मिश्रा के साथ मैं शालिनी सिंह, सक्षम न्यूज़ इंडिया, मुंबई।